जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ इस टाइप का एआई फोटो जनरेटेड कैसे करे कार्टून वाला, जो कि इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस टाइप का फ़ोटो बनाने के बाद भी ये फेस किसी और का है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग अपना फेस कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे अपना फेस कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मैंने ये जनरेट किया है, फ़ोटो को एडिट किया है, तो इसको मैंने देखिए इसमें मैंने अपना फेस कैसे लगाया, एकदम सेम टू सेम देख सकते हैं मेरा फेस है, तो मैंने एकदम अच्छे से एडिट किया है। ठीक है ना, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। तो ऐसा करके आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने भी फेस को। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे कि आप लोग को अपना फेस में रियल एआई वाला फ़ोटो कैसे बनाना है, एकदम डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि ये वाले फोटो का अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं कि इस टाइप का फोटो कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोग पहले ऐसा फोटो अपना एक कोई बना लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद से आप लोग इसमें बताएंगे कि फेस को कैसे लगाना है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले चले जाना अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद एक वेबसाइट है जो कि ये वाला है, ठीक है ना, remaker.ai। ठीक है, ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग डायरेक्टली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसमें आने के बाद यहाँ पे देखिए फेस स्वैप का एक ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे अपलोड इमेज का एक ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर हम जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और गाइस क्लिक करने के बाद देख सकते हैं मेरा गैलरी यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे हम अपना वो वाला फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, जिस फोटो को हम बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे जो हम पहले से जनरेट करके रखे हैं। आप देखिए यहाँ पर है अपलोड टारगेट फेस, मतलब कौन सा फेस हम रखना चाहते हैं, अपलोड स्वैप इमेज, इसमें हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे अपना वो वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे जो कि जिसको जिस फेस को हम लगाना चाहते हैं इसमें। ठीक है ना, तो वो वाला फ़ोटो मैं देख लेता हूँ अभी मेरा कहाँ पे है, वो वाला फ़ोटो हम ऐड कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम वो वाला फ़ोटो भी ऐड कर चुके हैं, देख सकते हैं दोनों फ़ोटो को ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे ओरिजिनल और नीचे वाले में अपना फेस का जो लगाना है वो वाला फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद गाइज आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका नेट जितना फास्ट रहेगा थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा, यानी कि 2 मिनट आप लोगों को वेट करना है। 2 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से आप लोग देखेंगे और कैसे आप लोग का फ़ोटो बन जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बता दें कि वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है ये। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं तब तक हमारे सामने कैसा रिजल्ट बन के आता है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यार कमाल का मेरा फेस एकदम बना दिया है, मेरा ही फेस इसमें दिखा रहा है एकदम अच्छा से और बहुत ही गजब का लग रहा है, एकदम सुपर, मतलब क्या ही बोले यार, मस्त लग रहा है। इसको तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाला हूँ पक्का, ठीक है ना, बहुत मस्त लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए मैं डाउनलोड पर क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर डाउनलोड भी हो गया, 191 KB का है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो का विचार पसंद आया होगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।